जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम भगवान शंकर की पूजा के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर को चंदन कैसे लगाएं, उन्हें तिलक भस्म कैसे लगाएं, ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शंकर की जो आप पूजा करते हैं मंदिरों में, चलो ठीक है, जलेरी के साथ भरेरी पिंडी जुड़ी हुई हो, लेकिन आप अपने घरों में जो भगवान शंकर जी की जो आप पूजा कर रहे हैं तो जलेहरी से पिंडी अलग हो तो वो ज़्यादा प्रभावी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भगवान शंकर को चंदन और भस्म लगाते समय पिंडी बाएं हाथ में होनी चाहिए और दाहिने हाथ से उसके ऊपर तिलक करें। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि नैवेद्य अभिषेकांते साल्यन्येन समाचरेत पूजान्ते स्थाप लिंगेन पुटे शुद्धे पृथक ग्रह। इसमें लिखा है शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर का अन्न का भोग जरूर लगाएं। इसमें वर्णन है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। चलो आप मिठाई वगैरह आप लगा देते हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें नैवेद्य अभिषेकांते साल्यन्येन समाचरेत शिवलिंग अभिषेक करने पर, ऐसा नहीं है कि फलियार का भोग नहीं लगता है, लगता है, लेकिन पश्चात इसमें लिखा है अगेन के महीने में जो अन्न पैदा होता है, क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगेन में ही प्रकट हुआ है। ये हो और जहाँ ये प्रकट हुआ है उसको आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसलिए अगेन के महीने में जो फसल आती है, जो अन्न पैदा होता है अगेन के महीने में, यानी दिवाली के बाद में जो अन्न आता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, तिल है, ये जो चीज़ें हैं ये अगेन तक आ जाती हैं। तो भगवान शंकर के अभिषेक के बाद में इसमें स्पष्ट वर्णन है कि जो अगेनी अन्न है, अगेनी जो अगेन में जो पैदा होता है तो उसका भोग अभिषेक के बाद में लगाया जाए। और एक और बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, वो ये है कि हाथ में, बाएं हाथ में शंकर जी को रखें और दाहिने हाथ की उंगलियों से उसमें चंदन लगाएं। लिखा है कि कर पूजा निवृत्तानाम सुभोज्यम तो निवेदय, कर पूजा, कर पूजा लिखा है, निवृत्ति मार्ग उपासक या फिर आप घर गृहस्थी में जो भी हैं उपासकों को चाहिए हाथ पर शंकर जी की पूजा करने का विधान। जैसे अब मैं एक प्रमाण के साथ आपको बात कर रहा हूँ, सिरादे ये मेरे पास में शंकर जी ये अपनी जलेहरी में बैठे हैं, तो इनको आप देखिए ऐसे यूँ चंदन लगाएंगे, यूँ यूँ ऐसे दिखाइए, इनको यूँ चंदन लगाएंगे तो इसकी पूजा का फल तो है लेकिन कम है, हाथ में लगे। देखो आप देखो इधर, आचार्य जी देख रहे हैं आप, जी 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 महाराज, जैसे ये जलेहरी में शंकर जी की पिंडी है जी, और ये हम यूँ ऐसे लगा रहे हैं, तो ऐसे पूजा का विधान है, ऐसी बात नहीं है कि इसका पुण्य ना मिले, लेकिन इसमें लिखा है कर पूजा विधानम, इसको ऐसे लें, देख बेटा इसको ऐसे लें हाथ में, फिर यूँ चंदन लगाएं, इसमें यूँ लगाएं, यूँ ऊपर ओम बना दें या बीच में लाल टपकी रख दें, लाओ लाल चंदन, लाल परोली लगा दें इसमें यूँ ऐसे, तो इसमें आप बड़े समझदार हैं और आप मेरी भाषा बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ जो इस ग्रंथ में जो बात लिखी हुई है, फिर बीच में यूँ ऐसे यूँ टपकी लगा दीजिए, इसके ऊपर चावल लगाइए, इसके ऊपर लगा दो चावल, रख दो चावल टूटे हुए ना हो, इस तरीके से ये चावल हमने रख दिए। अब इनको हमने वहीं बिठा दिया जैसे वो बैठे थे, यूँ बिठा दिया, तो इसमें लिखा है कर पूजा निवृत्ताना, ये भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत कर पूजा है, इसको बाएं हाथ में शिवलिंग को लेकर के दाहिने हाथ से फिर उसमें चंदन वगैरह लगाया जाता है। विभूति अर्चनम कुर्यात् विभूति च निवेदयेत् पूजां कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। जितने भी भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, भगवान को चंदन इत्यादि से श्रृंगार करने के बाद से महापुराण में लिखा है कि उनको अपने सिर के माथे से लगा करके ऐसे ने माथे पर और सिर का इनसे ऐसे स्पर्श कराइए। स्पष्ट वर्णन है पूजां कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा, जो भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा, इसलिए तो कहा गया है कि घरों में बहुत बड़े शिवलिंग नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा, मंदिरों में 12 अंगुल का विधान बताया है, तो घर में शिवलिंग को कम से कम एक अंगूठी के बराबर, तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए कम नहीं। तो इसमें लिखा है कि पूजां कृत्वा तथा लिंगम शिरसा धारयेत् सदा,
जो भगवान महादेव का पूजन करके उन्हें माथे से लगाता है, उन्हें सिर के ऊपर धारण करता है। तो बड़ी अद्भुत बात कही गई है। क्या कहा गया है? इसमें लिखा गया है कि उस व्यक्ति को लेने के लिए स्वयं भगवान महादेव आते हैं, किसी न किसी रूप में चल करके आ रहे हैं। यमराज की ताकत नहीं है ये, आचार्य जी, ये यमराज की ताकत नहीं है कि शंकर के भक्त को लेने के लिए आ जाए। हमने महात्मा मार्कंडेय की कथा में ये पढ़ा है। और वह सूर्य क्षेत्र का भेदन करता हुआ परमात्मा के परम धाम को पहुंचता है। इस वीडियो में हमने एक विशेष बात कही है कि बाएं हाथ में पिंडी को लेकर के दाएं हाथ से श्रृंगार करें, और जब पूजा पूरी हो जाए तब तो उसको यूं ऐसे माथे पर लगाएं, सिर के ऊपर रखें। और एक बात ये कही है कि रुद्राभिषेक के बाद में उस चीज का भोग जरूर लगाइए जो चीजें अगेन में पैदा होती है, अगेन मास में प्रकट हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि शिवलिंग अगेन में ही प्रकट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है, आद्रा नक्षत्र में प्रकट हुआ है। इसलिए आद्रा नक्षत्र स्थिति में, मैं आगे कथा में बोलूंगा, आद्रा नक्षत्र पड़ जाता है तो एक महारुद्राभिषेक हजारों हजारों अभिषेक करने का पुण्य प्रदान करे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, बोलिए कुछ। महाराज जी, तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को अज्ञानता थी, हाथ में लेकर के मल की वैसे ही करते रहते थे। आज जीवन में ये धन्य बात हो गई भारत के कोने कोने में कि बाएं हाथ में शिवलिंग लेकर के और दाएं हाथ से चंदन लगाएं, अक्षत साबुत लगाएं, कुमकुम लगाएं, और फिर वो लगा करके श्रृंगार करके उनको अपने मस्तिष्क से लगाएं, अपने सिर से लगाएं। स्पष्ट लिखा है पूजाम कृत्वा तथा लिंगम सिरसा धारयेत सदा, उसमें लिखा है पूजा करने के बाद उसे अपने सिर के ऊपर धारण करें। बोलिए महाराज जी, तो बहुत ही जीवन की कल्याण के लिए आपने बता दिया, यम के दूत लेने नहीं आएंगे। जो लोग इन चीजों को और सुन रहे होंगे उनका आज से यही संकल्प है, हम कभी भी जीवन में भगवान शिव की पूजा करेंगे। कौशिक जी महाराज जी के शब्दों को सुनकर के भारत के कोने कोने में यह बात फैल गई कि शिव जी की पूजा करने से कभी यम के दूत नहीं आएंगे, साक्षात महादेव जी उनको लेने के लिए आएंगे। ऐसे कौशिक जी महाराज के चरणों में बारम्बार प्रणाम। महाराज जी एक निवेदन है, रोजाना दो शब्द ऐसे जनता को रोज दिया करें जिससे भविष्य में ये अमृत धारा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है, आपने भी भक्तों के लिए बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं फिर आप सबको कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर की पूजा के बिना न रहें। वैसे भी पंचदेव उपासना में भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर कृपा करें। आस दोस्त तुम बड़ोदानी आदत दीन जन, ऐसे भगवान जिनकी पूजा करके तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ते धन्यास कृतांतश्च सफलम देह धारणम, उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका शरीर धारण करना सफल हो जाता है, जो मनुष्य जीवन धारण करके भगवान से जुड़े। देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम जाई, भगवत कार्य पहले कीजिए कोटिम तक ताम हरिम स्मरे, करोड़ों काम करने से पहले भगवान को मानिए पूजिए, आप आनंद में जीवन जियेंगे। बता दें जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं संसार की हर वस्तु उसकी अपनी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सावन के महीने में, और आप भगवान महादेव को लेकर के कुछ अद्भुत सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको बिल्कुल ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।